असल बात है कि दुनिया की जितनी भी शक्तियां हैं वो आध्यात्मिक शक्ति के ऊपर ही है। आध्यात्मिक शक्ति उसका आधार है। यदि हमारे भीतर अध्यात्म नहीं रहेगा, हमारा संबंध सीधा ईश्वर से नहीं रहेगा, हम अपने आत्मा में नहीं रहेंगे। और यही आत्मा ही ब्रह्म है, यही आत्मा ही सब में व्याप्त है, सब हमारा ही रूप है। जब तक ये भावना नहीं रहेगी तब तक कोई काम होना कठिन है। कि अध्यात्म का रहना किसी भी चीज़ में पहली उसकी आवश्यकता है। और बात ये है कि आप पूछेंगे, मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप पूछेंगे कि अनशन की क्यों क्या आवश्यकता पड़ी। सिंह जी इस बात को जरा सुन लीजिए, यह जो मैं अनशन की बात उठाया, जो अनशन की क्या आवश्यकता पड़ी। For latest exclusive updates, please subscribe RMS News Entertainment Exclusive. Also like, share and comment. Thank you. तो बृहदारण्यक उपनिषद में एक दास्तान आया है। दास्तान ये है कि ऋषि याज्ञवल्क राजा जनक के यहाँ गए और राजा जनक उनसे पूछता है, हमारे पास बैठनी ठीक हो जाएंगे, यहाँ से ठीक होकर के निकलेंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो राजा जनक पूछते हैं इससे कि इस पर किस प्रकाश में देखता है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं सूर्य के प्रकाश में। यदि सूर्य अस्त हो जाए तो चंद्रमा के प्रकाश में, चंद्रमा अस्त हो जाए तो अग्नि के प्रकाश में, अग्नि बुता दी जाए बुझ जाए तो वाणी के प्रकाश में, और यदि वाणी बंद कर दी जाए तो कहते आत्म प्रकाश में। और कहते हैं ऋषि याद रखो, आत्मा का प्रकाश कभी नाश नहीं होता है, यह सतयुग की बात है। ये सतयुग में जो कहा गया वह भी कलिकाल में देखा जा रहा है। सूर्य कहते हैं ज्ञान को, अब ज्ञान लुप्त हो गया है, सूर्य का प्रकाश मानव से मनुष्य चला गया है। पहले जब भी कोई बात होती थी तो शास्त्रार्थ ज्ञान की बात होती थी, ज्ञान का डिस्कशन होता था, जो ग्राह्य होता था वह सब ग्राह्य करते थे, यह ज्ञान अब नष्ट हो गया। तब चंद्रमा मन का प्रतीक है, मन ही चंद्रमा है। तो जब ज्ञान का प्रकाश हट गया तो चंद्र का प्रकाश आया, मन का प्रकाश आया, मन की भावनाओं से लोग ईश्वर की आराधना करने लगा, पूजा करने लगा, और मन में एक भय उत्पन्न हो गया धर्म का कि यदि हम अधर्म करेंगे तो ये होगा। तो मन के प्रकाश में शास्त्रों के निर्देशानुसार लोग काम करना शुरू किया। अब वो भी चला गया, चंद्रमा भी अस्त हो गया, तो लोग अग्नि के प्रकाश में देखना शुरू किया। यदि लोग नहीं समझता तो पहले संघर्ष होता था, जुलूस निकलता था, नारेबाजी होती थी, लोग जन्म संघर्ष तैयार करता था। तो काम होता था, आज संघर्ष का भी प्रभाव हट गया, कितना संघर्ष कर लो, कितना कुछ कर लो, कोई सुनने वाला कोई बात नहीं। तब वाणी का प्रकाश हुआ, वाणी के प्रकाश में संजय स्वतंत्रता संग्राम में इतिहास में लोग पत्र लिखते थे, ये करते थे, वो करते थे, वाणी का जबरदस्त प्रभाव हो जाता था, जनमानस उमड़ पड़ती थी वाणी की आवाज से। आज कितनी भी बातें बोल लो, कितना तर्क संगत कर लो, कितनी सही बात कर लो, कोई सुनेगा नहीं। तो जब ये सब प्रकाश नष्ट हो गया तो हमें शास्त्र की ओर देखना पड़ा कि कौन सा ऐसा उपाय है जिससे कि ये हो सकता है। तो शुद्ध कहते हैं तपो ब्रह्म तप ही ब्रह्म है। तो यही कारण है कि मां सदन को अब जब अन्य सब उपाय बंद हो गए हैं, ज्ञान सूर्य का अस्त हो गया है, मन की जो भावनाएं थी वो तो इतना क्रूर हो गया है इसका कोई ठिकाना नहीं। मर्डर करना तो कोई कुछ समझता नहीं, चलो गाजर जैसे गाजर मूली को लोग काट रहा है वैसे लोगों का लोग मर्डर कर रहा है,
संघर्ष का कोई मतलब नहीं रह जा रहा है, संघर्ष का मतलब केवल तूर फूर बार काट ही रह गया, और उसके बाद वाणी का भी कोई मतलब नहीं है। इसे ही कारण है कि तप का सहारा लेना पड़ा। अब तप का सहारा लेने से क्या होगा, अभी सिंह जी जो बात कहे वो सुंदर बात की है। अब तप के प्रभाव से जब तप आत्मा में होगा तो वाणी में सख्त आएगी। जब शानन जी के तपस्या से, हमेशा याद रखिए शरीर कुछ नहीं होता है, शरीर की आत्मा अमर है, और उसके साथ जो उसका सिद्धांत है वह जब जुड़ जाता है तो वह आता है। तो शानन निगमानंद के तप का प्रभाव, आंसद में भूषित तप हुए, शानन जी के तप का प्रभाव, आत्मोदाहरण तप किया, और सब जो तप की बात हो रही है वो तप का प्रभाव अब लोगों के वाणी में गूंजने लगा है। कितनी सुंदर बात बोले थे कि जब हम सुने कि प्रोफेसर जी की अखबार ही हो गया है तो पवन जी ने कहा मैं हृदय कांप गया। तो तप का प्रभाव हुआ जो कंपन उत्पन्न किया, उस तप के प्रभाव से वाणी में शक्ति आ जाएगी। जब वाणी में शक्ति होगी तो पुनः वह संघर्ष का रूप पकड़ेगा, पुनः वह अग्नि प्रज्वलित होगा। जब वह अग्नि प्रज्वलित होगा तो मन रूपी चंद्रमा पर प्रभाव पड़ेगा, और जब मन रूपी चंद्रमा बात से शीतलता की किरणें जाएंगी, वह शीतलता की किरणें का जो मुख्य स्रोत ज्ञान रूपी सूर्य है उससे उसका संबंध होगा, और तब यह आ जाएगा। इसे ऊपर से नीचे है, वैसे नीचे से, इसलिए ये जो कहते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए, सामाजिक रूप होना चाहिए, मीडिया का रूप होना चाहिए, ये सब क्या है, ये सब वाणी का इसी का जो शुद्ध जो कह रही है कि तप से आत्मा से आध्यात्मिक चीज से वाणी, वाणी से अग्नि, अग्नि से मन, मन से ज्ञान। तो ये आपका जो पांच स्टेज है जिसकी आप चर्चा किए हैं वह शुद्ध का ही जो ये है उसी का अब क्रमिक उत्थान की जो बात है, क्रमिक उत्थान की बात होगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी संकल्प को दोहरा दूँ कि अभी सबसे बड़ी बात क्या हो रही है। ये पहले से पहले ऐसी बात बहुत कम होती थी कि जो आश्वासन दे दिया जाता था उस आश्वासन से भी पोलाइटली हट जाया जाता है, और ये कहते हुए कि हम आपकी सब मांग मांगिए। तो हमेशा याद रखिए कि मसलन उन सिद्धांतों को हमेशा अक्षुण रखेगी जो शाश्वत सिद्धांत है। यहाँ तक नदी की बात है, मैं एक बात आपको बता दूँ, अथर्ववेद के भूम सूक्त में आया है, जिसको कि मोदी जी जो पिछले साल अपना लेख लिखे थे जबकि करीब वो सब पेपर में लिख निकला था, उसमें इस लाइन को कोट किए हुए हैं, और इस लाइन का मैंने उनको वो जो अर्थ किए थे अपना उल्टे ढंग से, मैंने उनका सही अर्थ करके उसमें उनको पत्र भी शायद दिया था कि आप इसका ये अर्थ देखिए, इसका ये अर्थ है। ऋषि कहते हैं कि हमको कहाँ किस भूमि पर हम उत्पन्न हों, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमको पृथ्वी पर जाना पड़े, आना पड़े तो मैं कहाँ उत्पन्न हूँ। तो कहते हैं यस्यां समुद्रमुत सुंदरापो यस्यामन्नम कृष्टेह संभवो यस्यां जिन्मत प्राण मेजत शानो भूमि पूर्व पे दधातु। ये श्यांग समुद्र, यहां समुद्र हो, नदी हो, प्रचुर जल हो, यहां कृषि के द्वारा अन्न उत्पन्न किया जा सके,
जहाँ से यहाँ प्राण जो है जीवंत हो, आ जहाँ पूरे पेड़ पहले से ही पानी जो अमृतुल्य जल मौजूद हो, हमें उसी जगह पर उत्पन्न करो। फिर उसी के बाद उसी सूक्त में दूसरा मंत्र है कि कैसा जल चाहिए हमको, वह जो जल हो वह कैसा जल हो। कहते हैं यस्यामापः परिचरा समानी, यस्यामापः परिचरा समानी, यस्यां क्या है, यस्यामापः परिचरा समानी, यस्यामापः परिचरा समानी रो रात्रं अप्रमादं सरन्ति शानो भूमि, शानो भूमि है कि श्यामापह परिचरा समानी रहो रात्रि और प्रमादं शरन्ति शानो भूमि, ऐसे करके है कुछ कि वहाँ पर हम हैं, यानी यहाँ समुद्र यहाँ जल परिचरा समानी समान रूप से चारों बगल चढ़ने के लिए स्वतंत्र हो, स्पष्ट है कि मत बांधो। ये लाइन जब उसी समय वहाँ मैंने खोजा और सानंद जी को दिखाए, सानंद जी इस पर कह के तो मैं कहता हूँ अबरल धारा को बनाओ, श्याम आपह परिचरा जमानी रो रात्रंग और प्रमादंग छरंती, रात दिन बिना प्रमाद का चलता रहे, सानो भूमि भूरधारा पयो द्वामतो उक्षत वर्षा, वह जो भूमि है वह यहाँ प्रचुर रूप से ये बह रहा है, वही हमारे प्राण को ये करे और वहाँ मैं रहूँ। थोड़ी से ऐसे जगह उत्पन्न होने की कामना करते हैं और यही कारण है कि भारतवर्ष में ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ। आज जब हम उसी चीज को नष्ट कर देंगे जिस हमारी नदियों पर यवन का आक्रमण हुआ और यवन उसे सुरक्षित रखा, जिस गंगा पर अंग्रेज ने प्रथम बार हरिद्वार में बांधने का चेष्टा किया था तो पूरे भारत के राजे महाराजे ने जब विरोध किया तो वह भी सीमित कर दिए और समझौता किए कि नहीं अब मैं कोई भी काम बिना हिंदू से पूछे हुए नहीं करूंगा। वह स्वतंत्र भारत में छीन लिया गया जो हमारी प्राकृतिक निधि हमारे गुलामी के समय में हमसे नहीं ली जा सकी, वह तथाकथित स्वतंत्रता के नाम पर आज हमसे छीन ले गई और उसी के लिए आज संतों की हत्याएं हो रही हैं, संत बलिदान हो रहे हैं और सरकार ठग रही है। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ यहाँ से, मैं इस संकल्प को आज आनंद जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जो सभा का आयोजन है उस पर मैं इसे पहले भी चर्चा हुई थी, कल भी परसों हुई, तो मैंने ये कह दिया कि यह धारा अक्षुण रहेगा। मैंने इसे पहले भी कह दिया था कि बहुत देव ऐसे होते हैं जो खून के प्यासे होते हैं, आप यदि उन देवों में हैं तो आपको खून की प्यास। आपकी बुताई जाइए आपने, बहुत सुंदर बात हो रही थी, 86 जहां जिस भूमि पर 86 साल का बुजुर्ग ने प्राणोत्सर्ग किया है, जिस भूमि पर 32 साल का युवा ने अपना प्राण दिया है, जिस भूमि पर 26 साल का युवक 194 दिन अनशन करके अपने को उस बिंद तक ले गया था, पर आज इस मांग को नहीं मानी जाती है, तो उसी भूमि से यह घोषणा हो रही है कि अग्रिम चरण में मातृशक्ति उतरेगी और
23 साल की साध्वी, क्योंकि इसे अब ये चाहिए तो ये नहीं रखे कि केवल बुद्धे तो हैं, 86 साल के थे, क्या हुआ, मर गए, मरना ही था। इसलिए इस कड़ी में हम एक से एक कड़ी उतारते जा रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो बलिदान के लिए तैयार है। लेकिन अभी भी मैं चाहता हूं कि सरकार में सद्बुद्ध हो, और सरकार में सद्बुद्ध तब होगा कि जब जनमानस होगा, जनमानस से बात उठेगी। अब छोटी सी बात देख लीजिए, हम कोई पॉलिटिकल नहीं है, हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन समाज में तो हैं, समाज को तो देखेंगे, और पॉलिटिक्स का निर्माण हुआ है समाज के निर्माण के लिए, समाज की रक्षा के लिए। जिस भूमि पर जो ये तपो क्या कहते हैं तीर्थ नगरी कहा जाता है, इस नगरी के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख निकला था, उसमें था कि हरिद्वार ये होली सिटी फुल ऑफ हिपोक्रेट्स, लिखा है, वो है ना, है ना, न्यूयॉर्क टाइम्स में निकला हुआ है, हरिद्वार ये होली सिटी फुल ऑफ हिपोक्रेट्स, निगमानंद के संदर्भ में बात आई थी, और इन लोगों की मौन बात को न्यूयॉर्क टाइम्स लिखा रहा है, और इसी का प्रतिध्वन हमारे जो तथाकथित कहते हैं कि साधुओं की सबसे बड़ी संस्था, उसके अध्यक्ष घोषणा करते हैं ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनके लिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का बेंच ने सरकार को आदेश किया कि केस दर्ज करो, उस व्यक्ति को वे व्यक्त कह देता है कि नहीं, उस ठीक है, क्लीन चिट उनको दे रहा है मार्शल, ये उसको क्लीन चिट दे दिया, हम क्लीन चिट दे रहे हैं, सरकार केस वापस ले, और वो कैसी, तो जो कोई संस्था होती है सबके लिए काम करती है, ये संस्था एक ऐसी संस्था है जो जब कुंभ होता है तो उनको चाहिए 5 करोड़ रुपया, उनको चाहिए परमानेंट जमीन, और जब हमने इसका विरोध किया कि हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र की रक्षा करेगी मां सदन, और उस जमीन को इन लोगों को मुफ्त में दे दिया जाए, वहाँ लोग अपार्टमेंट खड़ा करके और बेचेंगे, लग्जरी स्लैब जाएंगे, उसका हम विरोध करेंगे। तो किसी ने उनसे पूछा कि ऐसी सी बात कर, अरे शिवानंद को क्या कौन सी हैसियत है, उसको कौन पूछता है, जहां वाणी की मर्यादा इतनी गिर गई है कि एक ऐसे साधु जिस पर कि एक हम नहीं कहते हैं दोषी हैं कि सही हैं, वो जांच में निर्णय हो, क्योंकि हमको कौन सा अधिकार है कि कोई दोषी है या नहीं है, लेकिन जांच का विषय है, जांच चल रही है, उसे हम मैं को तुमको कौन सा ऐसा सामर्थ्य है नो तुम्हारी आंतरिक शक्ति है जो तुम उसे क्लीन चिट दे देगा, और तुम जो अन्याय कर रहा है, तुम जो उज्जैन कुंभ हुआ 13 अखाड़ा को 5-5 लाख रुपया दे दिया गया, 65 करोड़ रुपया दे दिया गया, और अन्य साधारण लोगों को स्वाभाविक है किसी को रुपया तब देगा कि जब वो अपने को बोलबाला बाला रहेगा, दूसरे के अधिकार में कटौती कर दिया, वो अपना ऐशोआराम कर लिया, यही स्थिति इलाहाबाद में हुई और यही स्थिति हरिद्वार में होने जा रही है। तो इसका विरोध करेंगे तो हमारी हैसियत तो यही है कि हम एक देश के सच्चे नागरिक हैं, और देश के एक सच्चे नागरिक को जितनी हैसियत होती है वो हैसियत मासदी में रखती है, और प्रत्येक सच्चे नागरिक का एक कर्तव्य होता है कि सत्य को उजागर करेगा, असत्य को नहीं होने देगा, अधर्म को नहीं होने देगा, तो हमारा संवैधानिक देश है। तो हरिद्वार एक ऐसी नगरी है जहां साधु की सोच सर्वा गंगा के लिए नहीं है, जिस गंगा के किनारे कुंभ होगा उसके लिए नहीं है, परंपरागत से छावनी के लिए जमीन दी गई है उसमें अपार्टमेंट खड़ा करके उसे बेच दिए हैं, उनसे 5-5 करोड़ उनको रुपया चाहिए। तो इस तरह से
जब वस्तु स्थिति हो जाएगी तो अंधकार बहुत ही ज़्यादा है। आज जब ये अंधकार सर्वसाधारण से होते हुए तथाकथित साधुओं में हो गया है, अभी क्या है, अभी किसी अखाड़े में अच्छे संतों का रहना सर्वथा मुश्किल है। अच्छे संत हैं तो अखाड़े से बाहर ही अपना गुजारा किए हुए हैं, क्योंकि वहाँ चिंतन तो इतना का है, इसलिए इन साधुओं से उम्मीद करना तो कठिन है। लेकिन उन्हें हमें झकझोरना है, जनमानस को झकझोरना है कि गंगा सबकी है हर, और इस गंगा को बचाने के लिए माँ सदन पुनः यदि सरकार को हम आप लोग समय निश्चित दे दें, कर दें यहाँ पर कि किस तारीख तक सरकार को डेट दे दिया जाए, यदि सरकार उचित को नहीं मानती है तो पुनः अनशन की हम घोषणा कर देंगे। और इसी के साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे इस संकल्प को आगे बढ़ाने में, जैसे सिंह जी ने कहा कि हमें साथ देंगे, इसी उम्मीद में जरूर। और ख़ास करके मैं पवन जी के साथ ही कहना चाहता हूँ, आके आप एक युवा हैं और कह रहे थे तो मैंने इतना दिन से सोचा आप जन मनोरंजक, जन मन रंजक है, हमने जो मैं सुना तो हमको कह रहे थे कि आप इनको क्या उपहार देंगे, उनको क्या उपहार देंगे, तो आप जब आप कह रहे थे जन मन रंजक हैं जन मन रंजक हैं, क्योंकि इनमें वो शक्त है कि जन के मन को रंजन करते हैं, तो जन के मन के जब रंजन करेंगे तो उसे गंगा के रंग में ये रंग देंगे तो वो बहुत ही बड़ा काम का होगा। इससे उसका जन का भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा, क्योंकि आप निमित्त बनेंगे, देवता का भी कल्याण होगा, क्योंकि शायद हिंदू के शायद ही कोई देवता होंगे जो गंगा जल से अभिषिक्त न होना चाहते हों, और शायद ही कोई हिंदू होगा जो मरते समय अपना एक बूंद गंगा जल मुँह में नहीं डालना चाहता होगा, और शायद ही कोई हिंदू होगा जो अपने अस्त को पाकिस्तान के भी गंगा के नदी का अस्त लोगा कहीं विसर्जन करता है, तो इतना बड़ा कल्याण होगा। इसलिए आप जन मनोरंजक का उपयोग करते हुए और इसका काम करेंगे, हमको बड़ी प्रसन्नता होगी। फॉर लेटेस्ट एक्सक्लूसिव अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब RMS न्यूज एंटरटेनमेंट एक्सक्लूसिव, ऑल्सो लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।